नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बुधवार को संसदीय रक्षा कमेटी की बैठक से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि डोकलाम समेत बॉर्डर के मुद्दे पर चर्चा हो। रक्षा कमेटी के सामने राहुल गांधी ने डोकलाम समेत बॉर्डर के दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग भी की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, जिससे राहुल गांधी नाराज हो गए। यही कारण रहा कि राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस सांसद रक्षा कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर गए। जानकारी के मुताबिक रक्षा कमेटी के सामने राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस सांसदों ने LAC पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष ने उनकी मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग से उठकर चले गए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी राहुल गांधी ने रक्षा कमेटी की बैठक से वॉकआउट किया था। उस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कमेटी को रक्षा यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। तब राहुल गांधी ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि लद्दाख में हमारी तैयारी क्या है, चीन के खिलाफ हमारी रणनीति क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद कमेटी के अध्यक्ष जुआल ओराम ने राहुल को बीच में बोलने से रोका तो राहुल बैठक छोड़कर चले गए। उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद भी वहां से चले गए। बाद में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जो गैर लोकतांत्रिक और उनके अधिकारों का हनन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।